श्याम राधे कोई ना कहता, कहते राधे श्याम। अनुप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। मुझे भी अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, और कुछ अच्छी अच्छी बातें होंगी आपसे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इतने सालों बाद आपसे फिर दोबारा मिलने का। कब मिली थी आपने? 10 साल पहले मम्मी डैडी के साथ गए थे कॉन्सर्ट में आपके देखने। वो मिंटो? जी मिंटो। वो प्रोग्राम मेरा हर साल, मतलब हर बार होता है जब मैं आता हूँ यहाँ, तो वहाँ मिश्रा जी और उनकी पत्नी रमा जी, जिनको हम मीरा बाई कहते हैं, उनकी वाइफ ने इस तरह अपना जीवन दे दिया है भक्ति को और अपने मंदिर को कि हम उनको मीरा बाई कहते हैं। तो कल उन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, हम मिंटो में थे कल जी। और आज आप पैरामैटा में? जी हाँ, आज पैरामैटा में। ओके, तो सिडनी और ऑस्ट्रेलिया का सफ़र, तो आप यहाँ पे तो आते रहते हैं बहुत, 10-15 साल? हाँ बहुत बार, 10 बार तो करीब इस देश में आ चुका हूँ। 10 बार लगता है आपको सिडनी, और सिडनी को आपको बहुत पसंद है। बहुत, और अब मैं फिर आऊँगा, अब आपसे भी मिल लिया। बिल्कुल आपको आना पड़ेगा दोबारा। कितने साल, कितने मुकाम गुजरे हैं आपका, जो तालों से भजन तक का सफ़र है, आपको लगता है कि जल्दी से निकला है या बहुत? मुझे लगता है कि अभी तो सफ़र पूरा हुआ ही नहीं है, बहुत बाकी है। अभी तो हमको कुछ संगीत आया ही नहीं ठीक से, तो सीखना बहुत बाकी है। जब बड़े बड़े कलाकारों को हम कभी सुनते हैं, जैसे पंडित जसराज जी हैं, जैसे हमारे पिताजी हैं, इन लोगों को सुन के हमें लगता है अरे हम गलत काम कर रहे हैं कुछ, ये तो फील्ड हमारे लिए है ही नहीं, ऐसे बड़े बड़े लोग, विद्वान लोग इसमें गा रहे हैं। लेकिन उनको सीख के इंस्पायर ज़रूर होते हैं, इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं हमको भी मेहनत करके और थोड़ा अच्छा गाना चाहिए, इसीलिए हम बड़े बड़े कलाकार ऑलरेडी इतना अच्छा गाते हैं। आपको, आप कभी नैनीताल या लखनऊ जाते हैं वापस? बहुत जाते हैं, हर महीने लखनऊ जाते हैं। लखनऊ और नैनीताल इतना नहीं जा पाते, लेकिन नैनीताल से जन्म का संबंध है, मेरा जन्म वहाँ हुआ था। इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। जी हाँ, बहुत सुंदर। जो आपका नाम है वो एसोसिएट होता है आप गजल से, भजन से, आपको क्या लगता है आपका मोस्ट पिविटल मोमेंट आपके करियर में क्या रहा है? मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम किए हैं जो हम कभी भूल नहीं सकते हैं, जिसमें एक बार जाकिर हुसैन साहब के साथ कुछ टूर था हमारा अमेरिका में जी। वो हमारे साथ तबला बजा रहे थे, हम उनके साथ गा रहे थे। गुलाम अली साहब के साथ बहुत से प्रोग्राम किए, मेहंदी हसन साहब के साथ किए, जगजीत सिंह साहब के साथ किए, तो ये चीज़ें हम भूल नहीं सकते हैं। जब ऐसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ हम बैठ के गाते हैं तो ये ज़िंदगी भर याद रहने वाले पल हो जाते हैं। बिल्कुल, आई एम श्योर जो ऑडियंस में होते होंगे उनको भी भूला नहीं जाता होगा। बिल्कुल, उनके लिए भी नई बात होती है। सो आप जो गज़ल गायकी में कदम रखा आपने, वो आपका नेचुरल ट्रांसिशन था या आपने डिलीवरेट सोच के किया था कि अब मैं गज़ल गाऊँगा? असल में हमने शुरू तो किया था क्लासिकल से, क्लासिकल हम सीखते थे, वो गाते थे, तो लेकिन क्लासिकल और भजन तो जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। जितनी भी बंदिशें हैं क्लासिकल में वो सब भजन हैं, जितने भी बड़े बड़े क्लासिकल आर्टिस्ट हैं वो सब भजन गाते हैं, तो भजन तो जुड़ा है, लेकिन गज़ल एक अलग फील्ड है। तो गज़ल मुझे बचपन से शौक था, क्योंकि मैं बचपन में बेगम अख्तर साहब को सुनता था, मेहंदी हसन साहब को फिर सुनना शुरू किया, गुलाम अली साहब को सुनना किया, तो धीरे धीरे वो जो मन में चाह है वो गज़ल के लिए पैदा हुई। एक तो लखनऊ शहर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लखनऊ में उर्दू ही उर्दू है सब लोग, तो एक उसका भी असर हुआ है। सर, जो गज़ल है और जो भजन है, दोनों के जॉनर में आपको लगता है कि गायकी डिफरेंट है या एक जैसी लगती है? गायकी एक जैसी है, लेकिन फीलिंग अलग अलग है। भजन में जो है आप भगवान को फील करके गा रहे हैं, और गज़ल आप जिससे बहुत मोहब्बत करते हैं उसको सोच के गा रहे हैं। बिल्कुल, और अब गज़ल की हम बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स जगजीत जी का नाम आएगा, और सबको शायद पता नहीं है पर वो भजन जितना अच्छा गाते थे उतनी अच्छी गज़ल भी गाते थे। तो आपकी उनकी मुलाकात कब हुई, जब आप गज़ल में थे या गज़ल और सॉरी भजन में? हमारे और जगजीत सिंह साहब के प्रोग्राम शुरू शुरू में गज़लों के हुआ करते थे, जिसमें दो गज़ल जगजीत सिंह गाते थे, दो मैं गाता था, दो गज़लें भूपेंद्र सिंह गाते थे, फिर उसी में दो गज़ल
तलत अजीज गाते थे, तो इस तरह से एक प्रोग्राम हुए करते थे जब हम लोगों ने शुरू किया है। तो हम सब ने साथ में ही करियर शुरू किया और साथ में ही सबका नाम भी हुआ। जगजीत सिंह साहब के का भी नाम उन दोनों गज़लों में हो गया था और मेरा भजन और गज़ल दोनों में हो गया था, लेकिन भजन में मैंने ज़्यादा काम किया इसलिए मेरा नाम भजन ज़्यादा हो गया, लोग मुझे भजन सम्राट कहने लगे। बिल्कुल, है ना, तो आप हैं भजन लेकिन सम्राट। लेकिन आज भी मेरे जो प्रोग्राम है वो गज़ल भजन दोनों के होते हैं। कल रात को मेरा भजन का था, आज गज़लों का है। जी, मुझे आपके भजन बहुत पसंद है। जैसे ऐसी लागी लगन मेरे फेवरेट है। आपको कोई ऐसा लगता है जो कोई भजन है या कुछ जो आप जगजीत जी के साथ करना चाहते थे, कलेबोरेशन, और वो रह गया अधूरा? नहीं, जगजीत साहब के साथ ऐसा कुछ प्लान नहीं था करने का, लेकिन उनके साथ बहुत से प्रोग्राम हमारे होने वाले थे, कुछ हमने किए भी थे और कुछ होने वाले थे। तो मैं समझता हूँ कि संगीत जगत की एक बहुत बड़ी हानि है, बहुत बड़ा लॉस है जिसको कोई पूरा नहीं कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। हम वापस आते हैं आपके फैन में, जो आपने कहा था कि यहाँ पे आते हैं फैन फ्रॉम फिजी, न्यूजीलैंड। आपको कैसा लगता है डिफरेंट जनरेशन के लोग आपके भजन सुनते हैं और आपके गज़ल सुनते हैं, आपको कैसा लगता है? फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि आज मैं 40 साल से इस फील्ड में गा रहा हूँ, 3 जनरेशन मुझे सुन चुकी है, अभी भी वो मिलते हैं मुझे, तो मन को एक सेटिस्फेक्शन होता है कि इतने साल तक लोगों ने मुझे सुना है। कोशिश यही है कि मैं अपनी मेहनत करता रहूं, रियाज करता रहूं, जिससे कि मैं और 20-25 साल गाऊं। ऑफ कोर्स कहेंगे आप। आपको क्या लगता है कि जो भक्ति संगीत है उसका भविष्य क्या है? बहुत कमाल का भविष्य है, क्योंकि भक्ति संगीत तब तक है जब तक हिंदुस्तान है, क्योंकि हमारे भारत में कभी जन्माष्टमी आ जाती है, कभी गणेश चतुर्थी, कभी शिवरात्रि, तो इतने फेस्टिवल्स हैं कि उस फेस्टिवल में भजन ही गाए जाते हैं, उस फेस्टिवल में और दूसरी चीज़ें नहीं चल सकती, क्योंकि हमारे यहाँ रोम रोम में भगवान का नाम जुड़ा हुआ है। हमारे देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस कमरे में भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी हुई होती है कि बच्चा पैदा हो तो भगवान का उसको आशीर्वाद मिले और वो वैसा ही बने, इस तरह का बने। तो भजन का भविष्य वैसा ही उज्जवल है जैसे हमारे देश का है। ऑफ कोर्स जी, आज कल जो इंडिया सिनेमा है बॉलीवुड में, आजकल भजन वो यूज़ कर रहे हैं मूवीज़ में, पर उसे नया रूप में कर रहे हैं। जैसे आजकल मूवीज़ में आता है माता की मेल, ज्योति जला के रखना जो है, अतिथि कब जाओगे मूवी में, और आजकल नया आया है शिवाय मूवी में जिसमें एक हैवी बेस है और रैप भी है। आपको क्या लगता है ऐसे भजन के बारे में? भजन चाहे जैसे बने, लेकिन भजन में एक सही मैसेज होना चाहिए, भक्ति भाव होना चाहिए, उसमें कुछ गलत शब्द नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। जैसे बीच में मैं एक माता की भेंट सुन रहा था कि मंदिर के पीछे क्या है, मंदिर के पीछे, तो उसमें तो माधुरी दीक्षित की याद आती है, भगवान की तो आती है। बिल्कुल नहीं। जी, आपको भगवान का ध्यान आना चाहिए जब आप भजन सुनते हैं। भजन ऐसा होना चाहिए। सर, अब जगजीत जी के जाने के बाद एक नया सॉन्ग आया है जिसमें रेखा जी ने उनके साथ उनका जो पुराना कोई एक गजल है वो गाई है नई मूवी में। आपको कोई लगता है कि आजकल कोई ऐसा नया आर्टिस्ट है जो फुलफिल कर सके वो प्लेस या अपकमिंग? मैं समझता हूँ कि हर आर्टिस्ट जगजीत सिंह साहब के मार्गदर्शन पे काम कर सकता है, हर आर्टिस्ट, क्योंकि सब जगजीत सिंह साहब को इतना प्यार करते हैं कि जो उनको गाएंगे वो बड़े भक्ति से गाएंगे, बहुत प्रेम से गाएंगे। हर एक को गाना चाहिए क्योंकि हमें वही काम करना चाहिए जिससे हम प्रेम करते हैं, और हर आर्टिस्ट जगजीत सिंह साहब की आवाज़ से और उनसे प्यार करता है, इसलिए सबको गाना चाहिए। मैं भी गाता हूँ जी। जैसे आपके भजन सुनते हैं मन में भगवान के आ जाता है याद, आपको कौन सा पसंद है भजन ज़्यादा या गज़ल? मुझे ज़्यादा क्लासिकल पसंद है। क्लासिकल? हाँ, क्योंकि मैं अपने क्लासिकल को भजन और गज़ल जब गाता हूँ तो उसमें यूज़ करता हूँ, तो इसीलिए वो बहुत पावरफुल लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये जान के अच्छा लगता है कि ऑल्दो जगजीत जी नहीं है, हमारा जो म्यूज़िक है, हमारा जो
सॉन्ग और भजन के गजल के पीछे जो मीनिंग है वो सेफ है क्योंकि आप हैं हमारे साथ। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो स्टैंडर्ड बना के रखें। जगजीत सिंह साहब के एक छोटे भाई हैं, उनका नाम है करतार सिंह, वो दिल्ली में रहते हैं और वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, उनकी आवाज़ भी बिल्कुल जगजीत सिंह साहब जैसी है। मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि उनको कभी मैं ऑस्ट्रेलिया लेके आऊं और यहाँ के लोग उनको सुने और उनका आनंद लें। जी बहुत अच्छा लगेगा हमें उनसे मिलके। आप उन्हें रेकमेंड करें तो ऑफकोर्स उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होगी। जी, बहुत मैंने अभी तक सुना नहीं है उनकी, कोई एल्बम है? एल्बम अभी उनकी नहीं बनी है लेकिन बनेगी। अनूप जी से बात करके उतना ही सुकून मिला जितना उनके भजन सुनने से मिलता है। एंड आई सिंसियरली होप वो ऐसे ही हम परदेसियों के पास आते रहेंगे और हमें अपनी जड़ों, अपने कल्चर से ऐसे ही जोड़ते रहेंगे।